जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, है ना। आपको ये जो क्लास चल रहा है बायोलॉजी क्लास 12th का, तो हम लोग पिछले क्लास में ए सेक्सुअल पढ़ चुके, सेक्सुअल पढ़ चुके। अब हम लोग इस क्लास में ये समझेंगे कि इसके इवेंट्स क्या होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप कैसे होते हैं, कैसे कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब क्या क्या प्रोसीजर है। तो हम लोग इसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के। देखिए, इसमें तीन इवेंट्स हैं। एक तो पहला जो है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। पहला इवेंट्स जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है फर्टिलाइजेशन, एंड तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ये कि आप लोग ये तो जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट, जैसे एक ये मेल गैमिट हम कह लीजिए और एक मान लीजिए फीमेल गैमिट, है ना। ये दोनों बनते हैं, फिर आपस में फ्यूज करते हैं, फिर जब फ्यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये प्रोसेस, ये मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद बनने के बाद ये फ्यूज कैसे करते हैं, फ्यूज करने के बाद आगे कैसे इनकी प्रोसीजर होती है, तो इसी को हम लोग तीन स्टेप में बांटे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम लोग बात करें कि प्री फर्टिलाइजेशन की, अगर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि गैमिटोजेनेसिस, है ना, एंड गैमिट ट्रांसफर। गैमिटोजेनेसिस मतलब क्या होगा कि मेल गैमिट का बनना एंड फीमेल गैमिट का बनना, मतलब इससे गैमिटोजेनेसिस का मतलब दो गैमिट बनना, है ना। अब मान लीजिए ये मेल गैमिट बन गया और ये फीमेल गैमिट, ये दोनों के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, जब बन जाएगा तो प्री फर्टिलाइजेशन में एक और प्रोसेस होती है गैमिट ट्रांसफर। तो जो पहला होगा हम लोग पढ़ेंगे उसको गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, अर्थात पैरेंटल बॉडी से मेल या फीमेल गैमिट का बनना जो होता है गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसकी हम लोग बात करें तो अगर गैमिट जो होता है ये हैप्लॉयड होता है, अभी हम लोग इसको हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड के बारे में भी समझते हैं आगे। गैमिट जो होता है हैप्लॉयड होते हैं। अब हम गैमिट्स की बात करें तो ये जैसे हम टू प्रकार के देखते हैं, तो दूसरा दो प्रकार जो होते हैं वो पहला है होमोगैमिट्स, जिसको हम लोग आइसोगैमिट बोलते हैं, दूसरा है हेट्रोगैमिट्स, इसको हम लोग एन आइसोगैमिट भी बोलते हैं, ठीक है, एन आइसोगैमिट। अब होमोगैमिट्स का मतलब ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल गैमिट एकदम हूबहू सेम होते हैं, मतलब उनको आप देख के डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि ये मेल गैमिट है कि फीमेल गैमिट है। जैसे इसका एल्गा में कुछ पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा में, जैसे यहाँ पे ये फिगर में ये देखिए इमेज में ये दिखा है, ये देखिए दोनों, ये मेल, एक मेल गैमिट है और एक फीमेल गैमिट है, दोनों एकदम सेम है, इसमें से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट। दूसरा है हेट्रोगैमिट्स, या इसे हम लोग आयन आइसोगैमिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमिट एकदम अलग अलग दिखते हैं, तो ये फ्यूकस कुछ में एंड एल्गा में एंड ह्यूमन बींग्स में ये सारे गैमिट्स पाए जाते हैं हेट्रोगैमिट। देखिए जैसे कि ये है एक, मान लीजिए ये फीमेल गैमिट है, कौन था ये फीमेल गैमिट और ये छोटा सा यहाँ दिख रहा है मेल गैमिट, है ना। देखिए एकदम इजिली से डिस्क्रिमिनेट होता है कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। इसी प्रकार से ये ह्यूमन का है, ह्यूमन का ओवम है और ये स्पर्म है, है ना, ये भी एकदम अच्छे से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमिट्स, ठीक है। अब बता दें सेक्सुअलिटी की, सेक्सुअलिटी मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक बाईसेक्सुअल एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बाईसेक्सुअल मतलब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं
जिसमें एक ही मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेल एंड फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बाईसेक्सुअल अगर हम लोग बाईसेक्सुअल प्लांट की बात करें तो ये हिबिस्कस एंड पाइसम है ना, ये हिबिस्कस एंड पाइसम होता है जिसके फ्लावर पे है ना, क्योंकि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, तो इसके फ्लावर पे अगर मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाए, जैसे कि मेल फ्लावर का ये स्टेमेन स्टेमिनेट उसको बोलते हैं स्टेमेंस, और इसमें फीमेल फ्लावर पिस्टाइल पिस्टिलेट इसको जो कि पिस्टेल पिस्टाइल बियर्स करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही पर पाए जाए तो इससे बोला जाएगा बाईसेक्सुअल प्लांट है ना। अब बाईसेक्सुअल प्लांट में कौन उदाहरण क्या है इसका, कुकुरबिटेसी और कोकोनट एंड कारा, ये कुकुरबिटेसी फैमिली है, जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं सारे बाईसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक है। अब देख एक उदाहरण दिया है कारा का, देखिए ये कारा ये भी बाईसेक्सुअल है, देखिए ये कारा का इतना पार्ट कट करके यहाँ पे दिखाया गया है जूम करके, तो इसमें उगोनियम एंड आर्थ एथिरो एंथेरिडियम, उगोनियम एंड एंथेरिडियम, ये उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है और ये मेल सेक्स ऑर्गन्स है, दोनों एक ही पर है ना, इसीलिए बाईसेक्सुअल। अब बाईसेक्सुअल एनिमल कुछ देख लीजिए जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही पे हों, जैसे अर्थवाम का, लीच का, कुछ स्पंजेज हैं, टेपवाम है। अब देखिए ये अर्थवाम है, इसके अंदर ये ओवरी है और ये टेस्टिस है, अर्थात ये मेल गैमेट है ना, और ये फीमेल, यहाँ से मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा और यहाँ से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ से ओवरी से ओवम निकलेगा और टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होगा। तो ये है बाईसेक्सुअल एनिमल। अब बाईसेक्सुअल एनिमल, अब ये कुछ हर्माफ्रोडाइट होते हैं और कुछ तो हर्माफ्रोडाइट नहीं होता। हर्माफ्रोडाइट मतलब ये कि ये भले ही बाईसेक्सुअल हैं, मतलब भले ही इनका इनके एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब ये खुद आपस में मेटिंग या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इनका जो मेचुरेशन होता है वो अलग अलग टाइम, जैसे कि ओवरी से जो ओवम मेच्योर हो रहा है, ओवम जो मेच्योर हो रहा है उसका टाइम कुछ और होगा, और जो टेस्टिस से स्पर्म मेच्योर हो रहा है उसका टाइम अलग होगा। तो ये जो अलग अलग टाइम होता है इस वजह से ये आपस में फ्यूज नहीं कर पाते, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल की बात हम लोग करें, अभी हम लोग बाईसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल मतलब ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं पाए जाते हैं, ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें पपाया की, डेड पाम की, मार्केंसिया की, है ना, तो इनमें अलग अलग पौधे, मतलब जिस पे मेल होगा तो मेल गैमेट ही प्रोड्यूस होगा, मतलब उस पौधे पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे कि एक ये मार्केंसिया का दिया है प्लांट, ये डायोसियस प्लांट हम लोग बोलते हैं, भी डायोसियस का मतलब ये होता है कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट अलग अलग हों, मतलब मेल गैमेट अलग पे और फीमेल गैमेट अलग पे पाया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं डायोसियस प्लांट, है ना। तो देखिए ये कारा का मार्केंसिया का दिया है, मार्केंसियम देखिए ये आर्ची ये दिख रहा है, आर्ची गोनियो फोर है और एंथीरियोडो फोर। अब ये जो एंथीरियोडो फोर से इससे मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, है ना, और जो आर्चियो गोनियो फोर है इससे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है, मतलब इसमें दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल एनिमल की बात करें तो यहाँ पे देखिए दिया है काकरोच का दिया है और हायर एनिमल एग्जांपल इसके होते हैं, मतलब काकरोच में दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसा ये नहीं कि मेल काकरोच और फीमेल काकरोच दोनों एक ही में हों, मेल अलग है काकरोच अलग है, और हायर एनिमल्स जितने भी हैं सब में इस प्रकार से पाए जाते हैं, इसमें से ह्यूमन भी है, इसमें से मेल अलग होते हैं फीमेल अलग होते हैं।
करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया, ये काकरोच, ये मेल काकरोच है। इसके अंदर अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो कि ये इस प्रकार सा है, और फीमेल की बात करेंगे तो ये फीमेल का ये ओवरी है। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? मेल गैमिट, है ना, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा? फीमेल गैमिट। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल एनिमल। इसका उदाहरण क्या है? काकरोच, यही दिया है आपको लोग एनसीईआरटी में। अब फंजाई कुछ होते हैं जिसको हम लोग होमोथैलिक या बाईसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल को ही हम लोग होमोथैलिक बोलते हैं। फंजाई में अगर कोई भी फंजाई जिसमें मेल एंड फीमेल गैमिट एक ही पर हो उसे हम लोग होमोथैलिक बाईसेक्सुअल, और अगर अलग अलग हो तो हेट्रोथैलिक और यूनिसेक्सुअल बोलते हैं इसको। ये हम लोग फंजाई में इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब सेल डिवीजन होता है गैमिट, हम लोग ये बात कर रहे हैं गैमिट फॉर्मेशन की, मतलब पहला जो प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से पहला पढ़ रहे हैं हम लोग गैमिट फॉर्मेशन में। तो गैमिट फॉर्मेशन में ये देखिए सेल डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? जैसे समझिए कि मान लीजिए मेल गैमिट ये बन गया, है ना, या फीमेल गैमिट, मान लीजिए ये फीमेल गैमिट बन गया और ये मान लीजिए मेल गैमिट बन गया। अब ये आगे चल के इसका थोड़ा सा मैच्योरेशन भी होना है, साइज इंक्रीज होना है। तो जब साइज इंक्रीज होगा तो निश्चित ही इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, है ना। तो सेल डिवीजन जब होगा तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन खेले? तो इसमें होगा माइटोसिस, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि अगर यन है तो एन ही रहेगा, है ना, इसकी मतलब साइज इंक्रीज करेगा, है ना। ये पाया जाता है हैप्लॉयड में, मतलब अब ये मोनेरांस में, फंजाई में, एल्गा में, ब्रायोफाइटा में जो इनके ये होते हैं गैमिट, ये हैप्लॉयड पेरेंटल होते हैं, मतलब हैप्लॉयड पेरेंटल से इनके गैमिट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए इसमें जो पाया जाएगा माइटोसिस होगा इनमें गैमिट बनने के लिए। ठीक है, और जिसे दूसरा है टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स, इनके जो पैरेंटल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब टू एन होते हैं, लेकिन जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा कैसे होगा? एन होगा। तो जब टू एन से एन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? मियोसिस, है ना। तो इसमें क्या पाया जाएगा? मियोसिस। ठीक है, तो ये रहा सेल डिवीजन का। अब यहाँ पे देखिए कुछ का वो दिया हुआ है, इसको आप लोग याद करेंगे, एनसीईआरटी का ये वो है। जैसे ह्यूमन बींग्स का 2N46 होता है, तो अगर N होगा तो 23 होगा। अर्थात जब ये गैमिट बनेंगे, जब ये पैरेंटल बॉडी 2N से जब गैमिट बनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? N हो जाएंगे। अर्थात मान लीजिए ये कोई ह्यूमन बींग्स से इसका मेल गैमिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये ह्यूमन बींग्स था, ये 2N था, और जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो एन हो जाएगा। तो जो एन हुआ है ये किसके बाद से? माइटोसिस हुआ है यहाँ पे, है ना, माइटोसिस होगा इसमें, सॉरी मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वो दिया है वो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, से ह्यूमंस में 46 तो एन इसका 23 हो जाएगा, और इसका हाउस फ्लाई का 12 है, इसका जो एन होगा वो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से रैट का 42, 21, 78, 39, है ना, 38, 19, कैट का, फ्रूट फ्लाई का 8, 16, है ना, फर्न का 1260, 630, इसी प्रकार से ये सब का दिया, इसको आप लोग देखिएगा। अब उसके बाद दूसरा पार्ट आता है गैमिट ट्रांसफर। वही हम लोग इसके जो गैमेटो प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़े थे, पहला गैमिट का फॉर्मेशन, अब इसको पढ़ेंगे गैमिट का ट्रांसफर। गैमिट ट्रांसफर कैसे होता है? देखिए ये फिगर आप लोगों को अगले चैप्टर में मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ बना दिया गैमिट का ट्रांसफर। जैसे अगर हम लोग मेल की बात प्लांट की बात करें तो देखिए कि ये प्लांट में मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स हैं, इसको पोलन ग्रेन्स या ये मेल गैमिट हैं। अब ये मेल गैमिट आ गए हैं इस पे, है ना, तो ये जहाँ से किसी माध्यम से यहाँ पे आए होंगे इसके पास,
किसके पास, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये पूरा, है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि मेल गैमेट वहाँ से किसी माध्यम से आए होंगे। इसको ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आने के माध्यम को क्या क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये आने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, है ना। अब ये गैमेट का ट्रांसफ़र इस पर हो गया। अगर हम बात करें एनिमल्स में मोस्टली ह्यूमन की, तो ह्यूमन को देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो ये मानिए कि वेजाइना है, यहाँ पे मेल गैमेट अर्थात मेल गैमेट क्या होगा, स्पर्म, है ना, यहाँ पे इंजेक्ट होगा और ये यहाँ से मूव करेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोसेस, फिर यहाँ क्या होता है, ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ से ओवरी से ओवम मेच्योर होकर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे आएगा। तो इस सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब जो गैमेट ट्रांसफ़र होने के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, सेकेंड स्टेप, पहले हम लोग क्या, पहले प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र, अब दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का हम लोग सिनगैमी भी बोलते हैं, है ना। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट ये आपस में फ्यूज करेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फ्यूज करने के बाद देखिए मेल गैमेट एन होगा, ये एन होगा, जब फ्यूज करके बन जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट जो कि 2n होगा। तो यही प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक पॉइंट दिया है कि पार्थिनोजेनेसिस, कभी कभी क्या होता है कि जो अनफर्टिलाइज एग है, सॉरी अनफर्टिलाइज एग से ही ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं न्यू इंडिविजुअल, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, है ना। जैसे कि हनी बी है, कुछ लिजार्ड हैं, बर्ड हैं, बर्ड में टर्की और बर्ड आती है वो उसमें होता है, तो ये सब उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। हम लोग बात कर लें फर्टिलाइजेशन के टाइप की, तो अगर हम लोग बात करें तो जो पहला फर्टिलाइजेशन का टाइप है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि मेल गैमिट, है ना, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट ये अपना इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इन्वायरमेंट मतलब मोस्टली वाटर में रिलीज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे वाटर 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 बॉडी है। अब ये मेल गैमिट जो होते हैं, ये जो पैरेंटल बॉडी होगी, पैरेंटल बॉडी, इससे मेल गैमिट यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से फीमेल से फीमेल गैमिट यहाँ रिलीज हो जाएंगे। अब ये बाहर ही फ्यूज करेंगे, है ना, ये बाहर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्पर्म था ऐसे और ये ओवम था, मतलब ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों आपस में यहीं बाहर फ्यूज करेंगे और अपने न्यू इंडिविजुअल को बनाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, एम्फीबियंस में, है ना, बोनी फिशेस, कुछ एल्गा में ये पाया जाता है। और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ये है कि ये निश्चित है कि ये पैरेंटल बॉडी के अंदर ही होगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो कहाँ होता है, यूटरस में, है ना। तो अगर ये देखिए मान लीजिए ये मेल मेल ऑर्गेनिज्म है और ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये दोनों मेटिंग करके ये फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना मेल गैमेट अर्थात जो भी होगा इसके अंदर, वो मेल गैमेट इसके अंदर प्रोड्यूस कर देगा, है ना, इसके अंदर। अब ये इसी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, इसी में इसका ओवम निकलेगा और इसका मान लीजिए स्पर्म है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, बॉडी के अंदर ही फ्यूज करेंगे, यहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा, यहीं पे ये जाइगोट बनेंगे, फिर जाइगोट बनने की आगे की प्रोसेस सारी यहीं पे होगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये किस में पाए जाते हैं, ये फंजाई, कुछ फंजाई, एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इस सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको आप लोग देखिएगा। मेन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स,
हम लोग पढ़ लिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या समझे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये मेल गैमिट और सॉरी ये फीमेल गैमिट और ये मेल गैमिट आपस में फ्यूज कर गए तो क्या बन गए, बड़े थे उसमें फर्टिलाइजेशन में जायगोट, है ना, जायगोट बन गए। ये फ्यूज करने के बाद जायगोट बन गए। अब ये जो जायगोट है इसके बाद जायगोट का आगे की प्रोसेस कैसे होगी, ये कैसे न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पहला है जायगोट। तो जायगोट क्या होगा, देखिए मान लो ये जायगोट है, अब ये डिवाइड करेगा, है ना, ये डिवाइड करके अपना ऑर्गेनिज बनाता जाएगा नया, इससे ये फिर इसका साइज बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे ये जिस इंडिविजुअल का जायगोट होगा उसका साइज में शेप में आने लगेगा और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जायगोट का आगे प्रोसेस होना मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग देखते हैं उसको कब बनना, ये प्रोसेस कहलाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। अब किसी ऑर्गेनिज्म में हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म विद हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जायगोट डिवाइड मियोसिस, जो जायगोट होते हैं वो डिवाइड करते हैं मियोसिस से, है ना। मियोसिस मतलब क्या था कि अगर ये एन है तो ये सॉरी अगर ये 2n है तो n में, है ना, ये मियोसिस होते हैं। इससे हेप्लॉयड स्पोर बनते हैं जो कि हेप्लॉयड ही इंडिविजुअल आगे बन जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब जायगोट डिवाइड हो गए मियोसिस से, मतलब 2n का जायगोट बना था फिर लेकिन वो फिर से n में आ गए, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखिए n क्यों बना, n इसलिए बना कि ये जो इसका पैरेंटल बॉडी होगा मतलब जो न्यू इंडिविजुअल होगा बड़ा होगा मैच्योर होगा वो क्या होगा, n ही होगा, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। ये कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और अगर हम लोग जायगोट की बात करें तो जायगोट ये लिंक है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जायगोट ही है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के और उसके नेक्स्ट जनरेशन के बीच का लिंक है, है ना। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो निश्चित ही क्या बनेगा, जायगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो जायगोट बनेगा, ठीक है। अब जायगोट के बाद होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। एम्ब्रियो क्या होता है, जब जायगोट आगे चल के जैसे ये जायगोट है आगे चल के जब सेल डिवीजन कर करके इसका शेप आने लग जाएगा, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म का इस तरह का शेप बनने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे इसके हाथ और पैर ये सब बनने लग जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, है ना, जायगोट के सेल का डिवीजन होगा, मतलब ये जायगोट है तो ये सेल डिवाइड होगा, बताया ना कि ये बड़े होगा फिर इसका साइज इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे वो शेप आएगा जिस जिसके ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, फिर उनका होगा सेल का डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बनना, है ना। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मतलब ये कि जैसे ये सेल जायगोट थी, अब ये जायगोट डिवाइड होकर पहले सिंपल सेल ही बने थे, मतलब इनका सबका काम सेम था, लेकिन फिर इनका डिवीजन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में बन हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स मतलब ये कि इनसे इधर मान लीजिए ये हेड हो गया, ये हाथ हो गए, है ना, फिर ये पैर हो गए, ये अलग 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 संरचना बनती जाएगी। तो ये जो अलग अलग डिवाइडेशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंसिएसन, है ना। अब इसको बोलते हैं सेल का डिफरेंशिएशन होना, हिंदी में बात करें तो परिवर्धन बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें जायगोट डेवलपमेंट बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ जायगोट डेवलपमेंट एनिमल्स, ये दो प्रकार के एक होते हैं, एक होता है ओवीपेरस, है ना, ओवीपेरस, और दूसरा होता है वीवीपेरस। तो ओवीपेरस मतलब जो होते हैं ये एनिमल्स ले एग्स
फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज, है ना, या तो फर्टिलाइज एक देंगे या तो अनफर्टिलाइज एक देंगे। जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड, ये जो होते हैं ये सब क्या हैं, ओवीपेरस में आते हैं। ये फर्टिलाइज एक देते हैं जो कि कैलकेरियस सेल से कवर्ड होता है। जैसे कि बर्ड का आप लोग एक देखे होंगे ना, ये फर्टिलाइज एक है, ये होंगे। फिर इससे कुछ दिन बाद यंग यंग वंस इसके इंडिविजुअल इनसे हैश आउट होकर निकल के बन जाते हैं। अब वीवीपेरस क्या होते हैं, ये एग्स नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट यंग वंस ही प्रोड्यूस करते हैं फीमेल बॉडी से, ठीक है। ये यंग वंस को डिलीवर करते हैं। इसका एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया प्रोसेस आपका इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम लोग क्या क्या पढ़ें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पार्ट था, दो पार्ट था, गैमेट का ट्रांसफर एंड गैमेटोजेनेसिस। पहले था गैमेटोजेनेसिस, है ना, दूसरा था गैमेट का ट्रांसफर। गैमेट से मतलब गैमेट का बनना और फिर उसको ट्रांसफर होना। और फिर उसके बाद ये दोनों फर्टिलाइजेशन मतलब क्या था, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट मिल के फ्यूज होते थे, उसको बोलते फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद फ्यूज होने के बाद जो जायगोट बनता था वो कैसे इंक्रीज, साइज इंक्रीज होके अपने ही अपने पुराने इंडिविजुअल का साइज लेके प्रोड्यूस होना, ये था पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे। और फिर हम लोग इस बार मिलते हैं अगले टर्न पर किसी कोई अगला टॉपिक जो होगा उसके साथ, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा। जय हिंद।